नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं RSPI को लेकर, इंडेक्स का टॉपिक है यानी सूचकांक को लेकर। एक प्रश्न डेफिनेटली आता है, एक क्या इससे दो भी पूछे जा सकते हैं, तीन भी पूछे जा सकते हैं। ये सूचकांक को लेकर, इंडेक्स को लेकर बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ही पेज में 2 मिनट में हम सारा रिवाइज करेंगे। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं इंडेक्स की, महत्वपूर्ण जो भारत के संदर्भ में रहेंगे, विश्व की भारत की रैंक के संदर्भ में बात करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो 126वां स्थान है। प्रथम इसमें आइसलैंड, याद रखिएगा। विश्व प्रेस सूचकांक 2023 इसमें 161वें नंबर पर है भारत, और फर्स्ट है नॉर्वे, ठीक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 इसमें भारत की रैंक है 108वीं, और फर्स्ट पर है डेनमार्क। लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 97वें नंबर पर भारत हैं, फर्स्ट पर डेनमार्क हैं, और वीडेम इसको जारी करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 126वीं रैंक है इसकी, और फिनलैंड फर्स्ट नंबर है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान इसको जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की बात करें, 42वें नंबर पर भारत हैं, फर्स्ट इसमें अमेरिका है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसको जारी करता है। आगे बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 की, ये बात करें 85वें नंबर पर है, ठीक है। फर्स्ट इसमें डेनमार्क है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 इसमें 13वें नंबर पर, आतंकवाद के नंबर पर 13वें नंबर पर है भारत, और फर्स्ट है अफगानिस्तान। IEEP इसको जारी करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 चौथे स्थान पर भारत है, और शीर्ष में अमेरिका, रूस और चीन है, ठीक है। वैश्विक अग्निशक्ति इसको जारी करता है। पासपोर्ट सूचकांक 2023 की बात करें, पासपोर्ट सूचकांक 2023 144वें स्थान पर भारत है, शीर्ष पर UAE स्वीडन है, UAE है पहले, उसके बाद स्वीडन, फिर जर्मनी है। HDI यानी ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसमें 132वें स्थान पर भारत है। UNDP इसको जारी करता है, 1990 से जारी करता है। 191वें इसमें देश सम्मिलित हैं, ठीक है ना। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 127वें पर भारत है रैंकिंग में, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 40वें नंबर पर है। तो ये 2 मिनट में हमने रिवाइज किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे बढ़ेगा। नमस्कार।